एक क्विक और वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट है आप सभी के लिए। हमने एक चैलेंज दिया है 15 दिन, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 जो है वो लाइक्स आ जाए आज के वीडियो में। हम आए हैं एक डेवलपमेंट के ऑफिस पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं पंकज आतास आज आपका स्वागत करता हूँ डे फोर्थ पे। फोर्थ डे किस चीज़ का, तो आपको शायद पता नहीं होगा, हमने एक चैलेंज लिया है 15 दिन का, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे नॉट मिसिंग अ सिंगल डे, कंटिन्यूस 15 दिन तक हमारा व्लॉगिंग का चैलेंज है, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे व्लॉग करूँगा, एक भी दिन मिस नहीं करना है। और आज है हमारा फोर्थ डे। तो जो चीज़ हमने सुनी है कि एक वीक या 10 दिन तक एक्साइटमेंट रहता है, फिर जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं और वहाँ से मिस आउट होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस चीज़ ना हो, यानी वो चीज़ ना हो, इसलिए मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। जहाँ पे जितने भी फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आई थिंक 20 के आसपास अभी सब्सक्राइबर्स हैं, आई थिंक वो फैमिली मेम्बर्स ही हैं ज़्यादातर। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो एक आज के वीडियो के अंदर अपने एक चैलेंज लेते हैं, जहां पर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10 जो है वो लाइक्स आ जाए आज के वीडियो में, और साथ में आप कमेंट्स भी करके मुझे सपोर्ट करिए। कुछ भी कमेंट में आपको जो लिखना है, आई एम विथ यू, एक्स वाई जेड, कुछ भी आपको लिखना है। टारगेट अपने कर रहे हैं 5 कमेंट और 10 लाइक का, ताकि अपना जो चैलेंज है 15 दिन का उसे हम फुलफिल कर पाए। एनी हाउ सिंगल पर्सन से कुछ नहीं होता, वी साथ में मिलके सब ये चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। और जहां पर अगर ये जो चैलेंज है वो फुलफिल होता है तो दो चीजें होगी। पहली चीज, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये जो चैलेंज खत्म होने के बाद क्या कुछ अचीव अपने कर सकते हैं, और सेल्फ मोटिवेशन ऑफ कोर्स इससे मिलेगा। और दूसरा कमिटमेंट मेरे साइड से कि अगर हम ये चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो बम्पर या जैकपॉट चैलेंज हम लेने वाले हैं 1 अक्टूबर, ये सितंबर चल रहा है, 1 अक्टूबर से बम्पर या जैकपॉट चैलेंज जो हम लेंगे, तो उस चीज के लिए भी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो 10 लाइक और 5 कमेंट इज व्हाट द टारगेट फॉर टुडे। हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, 9:43 इज व्हाट द टाइम इज, और देखते हैं कि कैसा आज का दिन रहता है। तो ये था फोर्थ डे की शुरुआत, आगे देखते हैं क्या कुछ चीजें होती है हमारे साथ। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। और मिच्छामी दुक्कड़म पूरे साल के अंदर मैंने कुछ भी आप लोगों को, कुछ भी एनी टर्म्स मैंने आपको हर्ट किया हो तो उनके लिए मिच्छामी दुक्कड़म। आज है गणेश चतुर्थी और संवत्सरी आई थिंक इसे बोलते हैं। तो डे हमने चालू किया है प्रेयर के साथ और मिच्छामी दुक्कड़म के साथ आज का दिन चालू किया है। फोर्थ डे है इस चैलेंज का और ऑफिस पहुँच चुके हैं। बेसिक चीज़ें थी, ऑटोमेशन वगैरह सेट करना था, ऑलरेडी हो गया। और आज हमने अपलोड किया है एक वीडियो, यानी रील की बात करूँ, इंस्टाग्राम रील अपलोड किया है बंगलो का, तो प्लीज़ जाकर देखिए, काफ़ी अच्छा है। और सिर्फ 2.25 करोड़ में आपको बंगलो अपकमिंग लोकेलिटी अहमदाबाद में मिल जाएगा। उनका कुछ ऑटोमेशन वगैरह भी कर लिया है। अब बात करेंगे थोड़ा कुछ काम, जहाँ पर आज का दिन, यस आज शूट भी है हमारा, तो शूट भी आगे मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, क्या कुछ चीज़ें, ऑफ कोर्स एंजॉय करेंगे आप। लेकिन लाइक आपका आज का टारगेट है, 10 लाइक्स चाहिए और 5 कमेंट चाहिए, एनी हाउ वो मत भूलिएगा प्लीज, है ना। सपोर्ट करिए, साथ में मिलकर ग्रो करते हैं, चैलेंज पूरा करते हैं, 15 डेज 15 व्लॉग्स।
ऑफिस पे थोड़ा काम था, आपको सुन आपको लगेगा, लेकिन यही सिर्फ पास है हमारा बिजनेस का, यही सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। और ये जो आप पीछे देख रहे हो वो है SBI से, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, वहाँ पर हम आए हैं सोलिटेड कलेक्टर बिल्डिंग, थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वहाँ पर था तो डिस्कस करना था। यही बस नॉर्मली हमारा रहता है कि कुछ ना कुछ डेवलपर के साथ मीटिंग्स और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती रहती हैं। आप यहाँ से ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे वीडियो शूट पे, 2 बजे के शूट जो है ऑलरेडी अरेंज्ड है, 3 बजे के आसपास हम निकलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून। हेलो गुड इवनिंग, हम निकल चुके हैं शूट पे, प्लानिंग था 2 बजे का शूट पे जाने का, लेकिन जैसे मैंने बताया था सोलिटर कनेक्ट पे हम गए थे तो कुछ चीज़ें थी जो कि करनी ज़रूरी थी तो थोड़ा पोस्टपोन किया। जस्ट अभी हम निकले हैं, साउथ भोपाल जा रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट है, एक है 2 BHK और एक जो है वो 3 and 4 BHK, दोनों का प्रोजेक्ट है, तो देखते हैं। मैंने इनफैक्ट प्रोजेक्ट जो है देखा हुआ नहीं है, तो जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होती है हमारे साथ। और वेदर जो है, जब से हमने चालू किया है वीडियो व्लॉगिंग तब से ही एकदम एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाउडी रहता है। और एक चीज़ जो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो का टारगेट है अपना 5 कमेंट्स और 10 लाइक, एनी हाउ वो अचीव करना है, आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है तो ही हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। 15 दिन का चैलेंज जो हमने लिया है उसमें आप लोगों की हेल्प या फिर सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं होगा। और जैकपॉट चैलेंज अगर आप चाहते हो कि मैं करूँ तो आपका सपोर्ट इसमें जरूरी ही है। तो अब मिलते हैं सीधा साउथ भोपाल में। अभी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट हम कर रहे हैं वीडियो शूट के लिए कि पहला सीन जो है YouTube का कहां से चालू करें। अभी हम हैं बेडरूम के अंदर, बेडरूम से थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे कुछ प्रॉप्स यूज़ करके YouTube का स्टार्टिंग करें, ताकि जो है YouTube वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट बना रहे, या फिर एक कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि काफ़ी लुक्रेटिव या फिर इंटरेस्टिंग लगे वीडियो। तो अभी हम जस्ट शूट के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी शूट चालू करने वाले हैं। कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ताकि आपको पता चले कैसा एंड रिजल्ट आपको वहाँ पर मिलता है। जस्ट शूट जो है खत्म हो गया है और ये भाई जो है हमें चाय पे चर्चा करवा रहे हैं, तो चाय पे चर्चा भी करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमने जैसे शूट किया 3 BHK 1725 स्क्वायर फीट, क्या चल गया रहा है ये, और लेआउट काफी डिसेंट है इनका। वीडियो आपको जल्दी YouTube हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो उनके लिए भी स्टे ट्यून करिए, तब तक हम एंजॉय करते हैं ऐसी कड़क चाय। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो आगे का मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ है। एक और आपका वापा के अंदर शूट है तो वो भी खत्म करते हैं, फिर बाद में आपसे मिलता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें होंगी। इतने दिन बाद ये धूप मिली है देखने को, जब से हमने चालू किया था तब से सेम वेदर चल रहा था। और अभी जस्ट हम निकले हैं साउथ भोपाल से और जा रहे हैं वापा, वापा जो कि जो नया डेवलप हो रहा है एरिया, वेस्टर्न अहमदाबाद प्रीमियम अरेना उसका नाम है। और ओवरऑल यहाँ पर जो शूट था स्टार्टिंग में जो यूट्यूब वीडियो बनाया, कहीं ना कहीं उतना कॉन्फिडेंस वहाँ पर फील नहीं हो रहा था, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़े और रील जो है ऑफकोर्स दोनों में कुछ नई चीज़ की है हमने ट्राई, आपको मज़ा आएगा ज़रूर से। नहीं, मैं नहीं मानता। फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम पे, इसमें तो आप कर ही रहे हो। और अभी मिलते हैं वापा पे। और इनफैक्ट अभी हम ड्राइव भी रॉन्ग साइड कर रहे हैं तो ये सेफ नहीं है, कई बार ऐसे रॉन्ग में ड्राइव करना पड़ता है लेकिन वो सेफ नहीं है, समझ लो आप। तो अभी हम पहुंचे हैं दूसरे डेवलपर के यहाँ पे, और वापा जैसे मैंने आपको बताया था वेस्टर्न अहमदाबाद प्रीमियम अरेना है, और डेवलपर हैं कविशा, उनके एक वीडियो शूट पे आए हैं, कैनवास प्रोजेक्ट का नाम है। तो अभी जस्ट जाते हैं अंदर और थोड़ा ब्रीफिंग करके फिर शूट करेंगे, आपको दिखाऊंगा कि कैसा वो शूट रहता है।
ये माली है मेरा। ये कुछ जुगाड़ हम कर रहे हैं, अभी वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिंपल हाउस वगैरह नहीं बना है, तो ऐसे गार्डनिंग करते हैं। इनका एक सिर्फ कुछ थॉट आउट प्रोसेस कर रहे हैं कि कैसे कुछ रील जो है शूट करें, तो देखते हैं कैसा वीडियो आता है। वो अभी जब हम आपको व्लॉग में दिखा रहे थे तो पानी आ रहा था, जब रील एक्चुअल शूट करने का टाइम है पानी ही बंद हो गया। ना तो आज सिंपल हाउस का एक, हाँ लाइट वाला तो मैंने आपको बोला ही नहीं है, लाइट नहीं है तो सिंपल हाउस का शूट नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट कंसेप्ट करते हैं, गार्डनिंग का कुछ कंसेप्ट करते हैं। पानी चालू किया, वो आ रहा था आपने देखा, अभी पानी भी बंद हो गया, यानी रील शूट नहीं हो पा रहा। अभी देखते हैं क्या करते हैं, ट्राई करेंगे, बाकी फिर कुछ अलग फिगर आउट कर लेंगे। फाइनली एनी हाउस शूट किया है, देखते हैं अभी कैसे सईद भाई जो है वो उसे एडिट करते हैं, क्योंकि एक सिंगल शॉट हुआ था मेरे हिसाब से तो उतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन पानी नहीं आ रहा था तो उस वजह से उस रीटेक नहीं कर पाए हैं, लेकिन समहाउ मैनेज हो जाएगा आई थिंक। और जो मेन कंटेंट है ब्रोशर अनविलिंग का, उनका दो रीटेक हुई हैं लेकिन वो परफेक्ट सेट हो जाएगा। पानी वाला जो सीन था वो प्लान कर रहे थे कि कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एरिया जो है उसे को बोलते हैं वापा वेस्टर्न अहमदाबाद प्रीमियम अरेना, जिस हिसाब से पिछले 3-4 महीने से या 6 महीने से चल रहा है इस एरिया का, उस हिसाब से तो यही एक्सपेक्टेड था कि जो अभी हुआ है लाइट भी नहीं है पानी भी नहीं है, फ्यूचर में ज़रूर से आ जाएगा। ऐसे ही आशा के साथ वापस से लेते हैं विदाई। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जाते हैं ऑफिस, फिर डिस्कस करेंगे आपसे कि क्या कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं आज के दिन में। 6:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और लुक एट हियर, यहाँ पे सनसेट हो रहा है आज, और ये है व्यू, कुछ ऑफिस से ऐसा दिखता है सनसेट। क्लाउडी वेदर आफ्टर ऑल, पूरे दिन इतने टाइम से चल रहा है और फाइनली जो है सनसेट हो रहा है। ये सनसेट के लिए काफ़ी सारे लोग जो है वो काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है। और बात तो सही है। यहाँ पर रमाडा वालों ने एक रिसेंटली नया डेवलपमेंट किया है, ऊपर स्काई कैफे बनाया है उन्होंने। आधा घंटा और है और फिर बाद में हम निकलेंगे घर जाने के लिए, तो आज का दिन यहीं पर ख़त्म करेंगे। एक क्विक और वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट है आप सभी के लिए। क्या क्या क्या? कल हमारी ऑफिस जो है उस बिल्डिंग में गणेश पूजा का आयोजन किया है, जहां पर हमें एज ए होस्ट इनवाइट किया हुआ है, तो हम पूरी टीम के साथ कल जो है उस आरती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो जो वीडियो है वो जबरदस्त होने वाला है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज वीडियो एज वेल। तब तक मैं आप सबको कहता हूँ गुड बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर। Fuckers in the best, yeah.